Uh, now we will discuss under the uh, play in early childhood about outdoor activities. Dekhye, it is important to determine the precise space that the child will play in, having considered factors such as security and appropriateness, as well as contribution to the overall intended outcomes. Outdoor activities be कहीं वो अपना नुकसान ना कर पाएँ और फिर इस को उनके इर्द गिर्द रहना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन बनती है तो वो उनकी मदद कर पाएँ फिर सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और अप्रोप्रिएटनेस भी हम छोटे बच, बच्चों को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक माहौल में पानी के या कीड़ों मकोड़ों के गिर नहीं छोड़ सकते तो ऐसी रेस्ट्रिक्टेड जैसे पार्क है या लॉन है घर का या स्कूल का पार्क है या कोई साफ़ सुथरा प्ले है जहाँ आप बच्चों को छोड़ सकते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से खेलें फिर उनको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है हम कहते हैं कि द फ्रेश एयर चर्पिंग ऑफ बर्ड्स ग्रीनरी एंड सीनरी चेंजेस द पिक्चर जो आप क्लास के अंदर उनको एटमॉस्फेयर दे रहे हैं जो छोटे छोटे गोशे हमने बनाए थे उनमें मुख्तलिफ चीज़ें हमने रखी हुई हैं वो उनको अट्रैक्ट कर रही हैं वहाँ भी वो सीखते हैं लेकिन जब वो आउटडोर जाते हैं तो नेचर से एक उनका कुदरती रता बन जाता है जहाँ वो उसके बहुत करीब होते हैं महसूस करते हैं यहाँ ताज़ा हवा है यहाँ परिंदे चहचहा रहे हैं सब्ज़ा है और फिर नज़ारा भी तो है सीनरी भी तो है और बच्चे फिर कुदरती ज़िंदगी का जो तजुर्बा करते हैं वो कंट्रोल्ड लाइफ से कहीं बेहतर है क्योंकि हकीक़त में जो असली चीज़ें हैं उनका तो कोई नियमल बदल नहीं और वो ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो जैसे लेडी बर्ड है जैसे बटरफ्लाइज हैं और जुगनू हैं इन चीज़ों को देख के भी उनके अंदर एक ख़ास किस्म की खुशी और तजसस बनता है और ये तजस उनकी आने वाली जिंदगी के बारे में उनको इंक्वायरी सिखाता है कि कैसे हर चीज़ के बारे में जानना सोचना और समझना है गेम्स हैविंग रूल्स एंड स्ट्रक्चर आर नॉट कैटेगराइज एज प्ले बिकॉज दे आर नॉट फ्री एंड स्पानसनियस वी नीड टू रिमेंबर कि जिन गेम्स में रूल्स हैं स्ट्रक्चर है जैसे मैंने अर्ज किया कि क्रिकेट है या बास्केटबॉल है ये प्री प्ले नहीं है प्रीप्ले का मतलब है कि बच्चों को बगैर किसी रूल के आप एक दफ़ा आज़ादी दें कि भाई वो अपनी मर्जी से सोचें कि उन्होंने क्या खेलना है कोई भी ऐसा खेल वो खुद देखिएगा आप वो खुद अपने रूल्स जनरेट कर लेंगे वो खुद अपने साथी चुन लेंगे वो खुद अपनी टीम बना लेंगे वो खुद छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन कर लेंगे कि उनके करेक्टर क्या है वो क्या चीज़ें हैं तो ऐसी सूरत में हमने उनको एक फ्रेश एयर देनी है जहाँ पे वो फ्रीली अपने आप को जो है वो इस्तेमाल करें अपनी सारी सोचों को यानी अपने मसल्स को अपने ब्रेन को और सोशली इमोशनली भी वो आज़ाद हों हर तरह के जज्बे को वहाँ पर जाहिर कर सकते हो खुशी का हो और थ्रिल त्रे, का हो वो कर सकते हो अब फ्री प्ले इज़ अ डायरेक्ट एंड अनरस्ट्रिक्ट इंटरेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन विद नेचर डायरेक्ट तो ज़ाहिर है जब हमने उनको आउटडोर भेजा तो अब वो खुद से चीज़ों का मुशाह कर रहे हैं अब आप कोई पबंदी भी नहीं लगाएंगे अच्छा भाई तुम कॉपी ले लोगे और इसके ऊपर फलाफ् चीज़ लिखोगे या इस तरह करोगे या तुम्हें इतनी देर यहाँ रुकना है इतनी देर ये देखना है फिलहाल हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम पाबंदियाँ उन पर लगाई जाएँ जैसे अगर स्कूल होगा तो ये पाबंदी तो हो सकती है कि भाई आप फोर्टी मिनट्स के लिए बाहर खेलेंगे लेकिन ये उनके लिए बहुत काफ़ी है कि आपने उनको 45 मिनट वो कुछ करने की इजाज़त दे दी वो जो चाहते हैं और जिस तरह चाहते हैं वो उसको कर लें हावर अ सेफ एनवायरनमेंट इसेंशियल लाइक अवॉइडिंग वाटर रॉक्स पॉइजनस क्रिएचर एक्ट्रा इन नेचुरल सेटिंग समटाइम्स नेचुरल सेटिंग में आ, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बच्चों को नुकसान पहुँचा सकती हैं मसला कोई जहरीले कीड़े मकोड़े हो सकते हैं शहद की मक्खियाँ हैं या कोई और इस तरह की चीज़ अचानक कहीं से आती है तो हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को भी सर्वेलेंस देना है एज़ उस्ताद के तौर पर भी और वालदान के तौर पर भी ताकि वहाँ पे और फिर यह कि जो नेचुरल सेटिंग है उसका यह मतलब कतन नहीं कि वहाँ पे अजनबी लोग जो हैं वो मौजूद हों तो अजनबी लोगों से भी हमें काफ़ी हद तक वो सर्वेलेंस देनी है इस को भी और वालदान को भी कि बच्चे एक फेमिलियर माहौल में रहें जहां पे वो अपने आप को सेफ फील करें फिर वो जब खेलेंगे तो वो अपनी विल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर वो इसी से, से सेल्फ कॉन्फिडेंस लेते हैं क्योंकि वो जो चाहते हैं वो कर सकते होते हैं तो उनका एतमाद खुद पे बहाल होता है